जब भी हम इनलेट वाल्व चेक करेंगे तो इनलेट वाल्व की जो रेजिस्टेंस है 4.3 किलो ओम मिलेगी, दोनों में ये मिलेगी। ये होती है कोल टेस्टिंग। कोल टेस्टिंग का मतलब हमें इससे पता लग जाता है कि इनलेट वाल्व की क्वाइल ठीक है, अंदर मैकेनिकल पार्ट ठीक है कि नहीं है, वो हम इसे सप्लाई देके ही चेक कर पाएंगे पीसीबी से। जब ठीक है स्पिन के आरपीएम पे चल रही है, जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे वॉशिंग मशीन हमारी जाएगी 7वें नंबर पे, और जैसे ही 7वें नंबर पे जाएगी हमारी यहाँ पर 220 वोल्टेज आ जाएगी प्री वॉश वाले वाल पे। और प्री वॉश वाले वाल के बाद जैसे ही हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट का बटन दबाएंगे 8 नंबर पे आएगी, वैसे ही हमारी सप्लाई मेन वॉश वाले वाल पे आ जाएगी। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी पीसीबी वाल को सप्लाई दे रही है। उसके बाद फिर प्रेस करेंगे 9 नंबर पे, दोनों वाल पर आएगी, प्री वॉश पे भी आएगी और मेन वॉश पे भी आएगी। ये देखिए दोनों साइड पे आ रही है, इससे हमें ये पता लग जाएगा हमारी वॉशिंग मशीन तीनों स्टेप में काम कर रही है, तीनों स्टेप में वाल ऑन कर रही है। ठीक है,